अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली नासिर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगस्त का महीना आ गया है, अब काफ़ी लोग जो है आप लोगों को वीज़ास अपॉइंटमेंट भी मिल चुकी होगी, आप लोगों को वीज़ास भी इशूज हो चुके होंगे और आप लोग पैकिंग कर रहे होंगे, ऑलरेडी फ्लाइट्स भी बुक करा ली होंगी, पैकिंग हो गई होगी और आप शायद पहुँच भी करेंगे फ्रांस, बिकॉज क्लासेस इस महीने के एंड पे और अगले महीने के स्टार्ट हो रही हैं। हाउ एवर देर स्टिल क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनकी अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं आई और अभी नेक्स्ट वीक में है या उसी नेक्स्ट वीक में है या इवन सम हाफ द अपॉइंटमेंट्स इन सेप्टेम्बर। सो इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल जिनकी अभी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो रही है। मैंने सोचा कि आई वुड गिव ए ब्रीफ टेम्पलेट ऑफ द एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो कि हमने लास्ट में इंक्लूड करना होता है अपने फाइल में, वीज़ा फाइल में, तो उसके मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी। अगेन आई गिव यू द डिस्क्लेमर कि देयर इज़ नो वन वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो मैं बता रही हूँ वो मेरी सजेशन है, वो पर्सनली मैंने खुद यूज़ की थी और वो मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी यूज़ करती हूँ। सो अगेन देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन ये मेरा तरीका है और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। इट कुड मतलब और भी तरीके से ही हो सकते हैं, सो डू व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, बट ये मेरा एक प्रूवन मेथड है जो कि काम आया हुआ है और मेरे लिए इट वर्क एंड मैं क्लाइंट्स के भी ये यूज़ करती हूँ। सो हियर इट गोज। सबसे पहले जो है आपने एक स्टैम्प पेपर जो होता है वो आपने कोर्ट के चेहरे से लेनी है, ठीक है। वो कोई 300 रुपये का मिल जाता है, नोटराइज्ड होना चाहिए, साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। आई एम श्योर आपको ईजिली मिल जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गैट, इट्स वेरी ईजी टू गैट एक्चुअली, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कोर्ट के चेयर में जाके किसी लॉयर से या किसी बंदे से आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हो। अच्छा, अब आपने पहले जो है टाइप करना होगा ऑब्वियसली कि उसमें लिखना क्या है। सबसे पहले आप उसको टाइटल दे दो कि टाइटल ऑफ एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आप यू मेक इट वेरी ब्रीफ, यू मेक इट वेरी कंसाइज एंड यू मेक इट वेरी टू द पॉइंट, उसमें लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी। अगेन जैसा मैंने मोटिवेशन लेटर का बोला था उसी तरह मैं इसका भी कहूँगी कि इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी होती। इनफैक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में आपने कहानियाँ नहीं लिखनी होती, आपने सब कुछ बहुत प्रिसाइज और टू द पॉइंट करके लिखना होता है। इसमें सबसे पहले जो है आपने यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने ऐड करना है वो ये करना है कि जैसे जो बंदा आपको सपोर्ट करे, जैसे अगर आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस पर लिख दो कि आई एक्स वाई जेड, फुल नेम लिख दो, एड्रेस लिख दो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस आ गया, उसके बाद आपका रिलेशनशिप टू द वीज़ा एप्लीकेंट वो मेंशन कर दो, और ये भी मेंशन कर दो कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप प्रूवन। फॉर इंस्टेंस अगर आपके फादर हैं तो आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से मिलेगा वो आप लिख दो कि मैं साथ अटैच कर रही हूँ टू प्रूव दैट आई एम द रियल मदर और द रियल फादर ऑफ दिस एप्लीकेंट। या अगर आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आपकी वाइफ कर रही हैं, तो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूड कर दो। या अगर आपके अंकल या आंट कर रहे हैं तो जैसे कि अगर आपकी कोई खाला कर रही है तो अपनी मदर के FRC इंक्लूड कर दो और अपना FRC इंक्लूड कर दो। या अगर आपके चाचू कर रहे हैं तो आप अपने फादर का FRC और अपना FRC ऐड कर दो और वो मैंशन कर दो कि हमने FRC अटैच किए हुए हैं टू प्रूव द रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन बेसिकली देनी है जिसमें आपने स्टेट करनी है अपनी कमिटमेंट। आपने ये कमिट करना है कि मैं फुली अवेयर होकर ये कमिट कर रहा हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ या ले रहा हूँ फॉर दिस पर्सनस एक्सपेंडिचर, एंड दिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द ट्यूशन फी, ऑल द लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, ट्रैवल एंड इमरजेंसी फंड्स, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, एक्चुअली थर्ड पॉइंट हो गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि डिटेल्स ऑफ सपोर्ट, कि एग्जैक्टली आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो, कि आपने प्रूफ करना है कि आपके पास पैसे हैं भी हैं या नहीं। तो आप उसमें ये लिख दो कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसमें इस डेट को आपने निकाली हो बैंक स्टेटमेंट इतनी अमाउंट थी और उस डेट के मुताबिक यूरोस में उसका क्या रेट था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी करेंसी और यूरो एक्सचेंज रेट या पाकिस्तानी इंडियन करेंसी है कि काफ़ी इंडिया से भी लोग देखते हैं। तो वो करेंसी को आपने कन्वर्ट करना है यूरोस में और आपने लिखना है कि इस डेट के मुताबिक यूरो का ये अमाउंट है। अमाउंट ये मैंने पिछले वीडियो में भी मैंशन किया हुआ है, आपकी एक स्पेसिफिक होती है जो 7,300 अप्रॉक्सीमेटली साल की होती है फॉर पीपल नॉट लिविंग इन पैरिस।
वो अमाउंट आपने कम से कम मीट करनी है मिनिमम। उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसकी इतनी ट्यूशन फ़ी है और इतनी मैं पे कर चुकी हूँ, इतना मैं बाद में पे करूँगी, लेकिन वो भी आपके पास शो होनी चाहिए बैंक में कि इतने पैसे आपके पास हैं टू पे द ट्यूशन फ़ी। क्योंकि ये जो 7,300 है खाली लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे हैं, इसके साथ आपने ट्यूशन फ़ी का भी बताना है। आपने ये भी ज़रूर ऐड करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, एग्जैक्ट डेट्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। और जैसे अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल के यूजली मास्टर्स होते हैं फ्रांस में, तो आपका ओके सितंबर 2024 से अगस्त 2026 तक ये कोर्स लास्ट कर रहा है और मैं इस दौरान सारे एक्सपेंसेस कवर करूँगा या करूँगी। और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे ऐड कर दो कि बैंक स्टेटमेंट मैंने ऐड की हुई है, ये सारी स्लिप्स ऐड की हुई हैं, टैक्स रिटर्न्स ऐड किए हुए हैं। उसके बाद आपने जो लास्ट बात है वो आपने एक स्वॉर्न स्टेटमेंट लिखनी है, और वो लिखनी है कि ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और इसमें आपने जब शुरू में अपना नाम लिख रहे होगे तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर पर लिखना है, जो वीज़ा एप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट नंबर पर लिखना है, और नीचे जाके आपने साइन कर देना है और डेट लिख देनी है उस दिन की। रफली बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। इसमें ऑब्वियसली मैं आप वर्बेटिम आपको नहीं बता रही कि आपने एग्जैक्टली यही टाइप करना है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए। उसके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशन परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, और बस सही ऑर्डर में फ्लो में सारा कुछ जाना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। और फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करें, ब्रिटिश इंग्लिश आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग इस्तेमाल करें, डोंट यूज़ अमेरिकन इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एज फॉर्मल। और या उसके साथ आपने ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कि आपकी फ़ी कितनी है, यूनिवर्सिटी की कितनी हमने पे कर दी, अपने बैंक स्लिप्स, सारी स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स, वो सारे डॉक्यूमेंट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट इन प्रीवियस वीडियोस। Again, if you have any questions, comment below. Reach out to me on Instagram if you want any consultancy regarding any documentation check, anything, motivation letter likhne mein, koi affidavit likhne mein, koi admissions karane mein, reach out to me. September 2024 ke bhi admissions start hone wali hain. Sorry, to September 2025 ke. To usme bhi I am going to be providing consultancy services. So reach out to me if you want my help in that. And yeah, all the best.